हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 11.11 लेकर आए हैं, 11.11। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू यील्ड इथेनॉल, है ना। इथेनॉल बनाना है, किससे बनाना है, इथेन से, और इसका मैकेनिज्म हमको लिखना है, है ना। तो इस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे। और ये रिएक्शन जो होता है एसिड कैटलाइज्ड होता है, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए एक एसिड का भी यूज करेंगे इसमें, ठीक है। और बाद में वाटर का एडिशन होगा जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा एसिड के प्रेजेंस में, मतलब हमको एसिडिफाइड रिएक्शन कराना होगा, मतलब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग एसिड लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लिए, ये जो है आयनाइज हो जाएगा H+ एंड HSO4- माइनस में आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने के बाद ये इथीन के ऊपर अटैक करेगा, ये हमारा इथीन है, ठीक है, ये हमारा सबसे सिंपल इथीन है, है ना। इथीन है, ये अल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है, वो इथीन होता है, और इसके ऊपर जो है ये H+ अटैक करेगा। यहाँ तो दोनों तरफ कार्बन हाइड्रोजन सेम है, किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है, तो यहाँ जहाँ अटैक करेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन रिच एरिया चाहिए, इसलिए ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये H+ आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है, दो हाइड्रोजन पहले से है और ये तीसरा हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। जब ये तीसरा हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, ये आकर जुड़ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर जो है हाइड्रेशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन, तो यहाँ पर जो है वाटर का एडिशन होगा, दिस इज योर वाटर, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो दो है, ये आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रेशन हो रहा है, हो गया। अब इधर जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया, एक पेयर वन पेयर जो है यूज हो गया इसके साथ बॉन्ड बनाने में, एक ही पेयर बचा और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यूज हो गया यहाँ बॉन्ड बनाने में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ डी प्रोटोनेशन होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा और ये H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, H+ जो है रिमूव होगा, ये H+ रिमूव होगा और आपको एल्कोहल, ठीक है, ये एल्कोहल हो गया, इथाइल एल्कोहल हो चुका है, तो यही हमको बनाना था इथाइल एल्कोहल। ये मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, ठीक है। यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ डी प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ हाइड्रेशन हुआ, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड द इथेनॉल, ओके, वेरी सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म इज देयर, थिंक इट कॉशियसली, इट विल बी रिमेंबर्ड इन योर मेमोरी फॉर एवर, ओके।